Good afternoon, all of you. Can you hear me? We can start. Please reply in the question box. Can you hear me? आवाज आ रही है? Are you able to see my screen? Okay, so 950 के ऊपर गया but sustain नहीं हुआ है, 50 पॉइंट ऊपर गया है and now it is again started falling. Crude oil भी व्यू बेरिश है, क्रूड ऑयल भी गिर सकता है. बजाज फाइनेंस चल गया, ऑलमोस्ट अपना टारगेट अचीव हुआ है बजाज फाइनेंस में. 6000 का मैंने टारगेट दिया था, 5850 और 6000, ये दो टारगेट दिए थे मैंने, राइट. तो बजाज फाइनेंस तो चल गया. बजाज फाइनेंस का एक सेकंड है, हम लोगों ने ट्रेड क्या लिया था बजाज फाइनेंस, एक मिनट. ये वाला स्टॉक ऑप्शन मैंने दिया था कोई तो 6000 का कॉल बाय दिया था, 145 हो गया. ठीक है, 78 वाला 145, सीधा डबल. ठीक है, क्रूड ऑयल सेल लग रहा है वापस, क्रूड ऑयल में ध्यान देना, क्रूड ऑयल सेल लग रहा है. नेचुरल गैस में कल ट्रेड करेंगे, आज ट्रेड नहीं करेंगे. और निफ्टी 3 बजे का कैंडल देखेंगे, 3 बजे का कैंडल देखेंगे. दोनों कैंडल आज का और कल का बेरिश टाइप बना रही है. देखो यहाँ पे ट्वीजर टाइप दिख रहा होगा डेली चार्ट पे, यस और नो प्लीज रिप्लाई. ट्वीजर टाइप दिख रहा होगा डेली चार्ट पे, दिख रहा है ट्वीजर टाइप दिख रहा होगा दोनों कैंडल में. देखो 16,000 के आसपास ही हाई बना है. क्लोजिंग कहां पर हो रहा है देखते हैं. 3 बजे का कैंडल 15,850 के नीचे, 15,850 के नीचे अगर क्लोज हुआ तो वापस बेरिश है. 15,850 के नीचे 3 बजे का कैंडल अगर क्लोज हो रहा है. वेट करो, थोड़ा वेट करो, 3 बजे का कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे. 15,850 के नीचे अगर क्लोज हो रहा है तो अगेन इट विल बी बेरिश. यस, बैंक निफ्टी अगर हम लोग होल्ड करते तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आता, बट वही प्रॉब्लम था कि कल इतना बेरिश हो गया था. 33,500 अगर आज हो जाता तो कल जो 7,000 रुपये आ रहा है वो भी चला जाता. ठीक है, तो वो एक थोड़ा रिस्क था, इसीलिए हम लोग ने एग्जिट किया. बट अगर हम लोग होल्ड करते तो क्या एमटीएम होता? कैन एनीवन टेल मी, अगर अभी तक हम लोग होल्ड करते तो क्या एमटीएम होता? मिस्टर आंसर, मिस्टर धीरज, अभी तक अगर होल्ड करते तो कितना एमटीएम होता? एक लॉट में या दो लॉट में? 11,000 रुपये होता ना एक लॉट में, नहीं 11,000 के आसपास होता. चेक कर लो, 4,000 4,500 इंक्रीज हुआ है, 4,000 रुपये का फर्क पड़ता. करेक्ट, 4,000 रुपये का फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट वही रिस्क था. वी एग्जिटेड एट 8,800. अच्छा, 8,000 के आसपास एग्जिट किया मैंने, कुछ 7,200 किया है, इसलिए मैं मेरे पीएनएल के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ. पर लॉट 7,200 कुछ प्रॉफिट आया. क्रूडल गिरना चालू हुआ, क्रूडल पे ध्यान देना. ये स्ट्रेट लेना है, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिस्क के हिसाब से लेना है. ऐसा नहीं कि सर पे कफन बांध के लेना है. मिस्टर राजेश, आप थोड़ा नेकेड गैम्बलिंग ज्यादा करते हो तो आप ही के लिए बोल रहा हूँ. ठीक है, 3 बजे का कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे. प्रॉफिट हो गया तो शांति नहीं है, वो स्क्रीन लॉस में जाना ही चाहिए, ऐसा है. प्रॉफिट हो गया इंट्राडे में 10,000 तो स्क्रीन पे वो मतलब जमता ही नहीं है, वो लॉस में कन्वर्ट होना ही चाहिए। इससे राजेश ऐसा मत करो, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं जो आप कर रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग, और वो आपको चेंज करना पड़ेगा। निफ्टी डेली चार्ट में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, निफ्टी डेली चार्ट में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ये रहा, यस है करेक्ट, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ये रहा, दिख रहा है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, परफेक्टली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, राइट। आवरली चार्ट पे डबल टॉप भी बना रहा है 16,000 के आसपास, आवरली चार्ट पे डबल टॉप भी बना रहा है। मैं तो 3 बजे के कैंडल के हिसाब से ट्रेड लूंगा मिस्टर दिवेनेवार, बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड लूंगा, लेकिन 3 बजे का कैंडल कहाँ पे क्लोज हो रहा ना, उसके हिसाब से ट्रेड लूंगा। करंट इस पे तो नहीं लूंगा, थोड़ा वेट एंड वॉच करके ही ट्रेड लेंगे, वो ज्यादा बेटर है। बजाज फाइनेंस एग्जिट कर दो, अगर अभी तक कोई होल्ड कर रहा है तो एग्जिट कर देना बजाज फाइनेंस। फेडरल बैंक भी एग्जिट कर दो, फेडरल बैंक का कॉल भी मैंने एग्जिट कर दिया। मूविंग एवरेज लगा के देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर भी क्रॉसओवर तो नहीं हुआ है, बाई क्रॉसओवर नहीं हुआ है अभी तक। 850 870 के नीचे आ जाए ना तो क्लियर बेरिश भी हो जाएगा फिर वापस, या फिर 970 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, डे हाई के आसपास कहीं पे क्लोज होना तो क्लियर बुलिश है। ऐसा वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है आज तो। अगर आप देखो 15 मिनट का चार्ट अगर देखें, क्या जिगजैग वोलेटिलिटी हुआ है, देखो ना। ये 3 कैंडल में पहले आदमी घबरा गया होगा, लॉस कर लिया होगा, अगर कोई बच गया तो वो ये zigzag वॉलेटिलिटी में लॉस कर लिया होगा। इस पे बना रहा है, आवरली पे बना रहा है, ये एम पैटर्न आवरली पे बना रहा है, ये देखो यहाँ पे ये एम पैटर्न बना रहा है, दिख रहा है, आवरली पे बना रहा है ये एम पैटर्न। ये बनाने दो, अगर बनता है तो अच्छी बात है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, 850 के आसपास कहीं पे क्लोज दे रहा है ना तो बहुत अच्छा लेवल होगा शॉर्ट करने के लिए, फ्रेश शॉर्ट करने के लिए। 15,850, 15,850, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ उस लेवल तक का। थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करते हैं। बैंक निफ्टी तो कम्प्लीटली रेंज बाउंड ही है, बैंक निफ्टी भी एम पैटर्न बना रहा है एक्चुअली। ये लेवल काफी क्रूशियल है बैंक निफ्टी के लिए, 34,100 बहुत इंपॉर्टेंट है। के नीचे क्लोज होगा, बैंक निफ्टी विल आल्सो बी बेरिश, तो ये थोड़ा ध्यान देना। क्यूमिंस भी आ गया टारगेट, 1100 आ चुका है क्यूमिंस भी। मैंने कल एग्जिट कर दिया, 1068 पे मैंने एग्जिट कर दिया था, बट अगर किसी ने होल्ड किया तो क्यूमिंस भी टारगेट आ चुका है। परसों रिजल्ट है टीसीएस का, टीसीएस मार्केट वॉच में लगा लो, ऐड कर लो। टीसीएस का हम लोग ऑप्शन चेन भी देखेंगे। आई होप सबको याद होगा ऑप्शंस लेवल 2 कोर्स, उसमें मैंने एक ओपन इंटरेस्ट का कंसेप्ट बताया था, याद है, रिजल्ट बेस्ड ओपन इंटरेस्ट कंसेप्ट बताया था। यस, तो उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेंगे, या तो कल लेंगे या परसों लेंगे, पर उसके बेसिस पे ट्रेड जरूर लेंगे हम लोग। ये 900 ब्रेक करेगा ना तो 850 आ सकता है, देखते हैं, थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। पॉइंट एक्चुअली हाई से नीचे होना चाहिए तब सेल करे तो ज्यादा बेटर भी है। ये लेवल पे शॉर्ट नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कर लो। यस, एटलीस्ट ये 9 EMA भी ब्रेक करता है ना तो भी हम लोग कुछ ले सकते हैं ट्रेड, क्योंकि ये एम पैटर्न परफेक्ट बना है। एटलीस्ट ये 9 EMA ब्लू EMA लाइन भी ब्रेक करता है ना, विच इज 15906, वो भी ब्रेक करता है तो भी ले सकते हैं। नेचुरल गैस पे मेरा ध्यान था शॉर्ट में, लेकिन निकल गया, ये निकल गया नेचुरल गैस निकल गया। शॉर्ट पे मेरा ध्यान था, इसमें निकल गया ये, ठीक है। ऑप्शंस का ट्रेड लेते हैं मेरे हिसाब से, और वो भी हम लोग ये लेते हैं, हेजिंग वाला ट्रेड लेते हैं, वो परफेक्ट बैठ रहा है अभी। हेजिंग वाला ट्रेड थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। मार्जिन कम लेना, मार्जिन देखना पड़ेगा, ठीक है। हेजिंग वाला ट्रेड मैसेज कर रहा हूँ, ये ले सकते हैं हम लोग। मैसेज किया, देखो ट्रेड कर लो ये फटाफट। हेजिंग वाला ट्रेड मैंने मैसेज किया, ट्रेड कर लो ये। मिला ना मैसेज, ट्रेड कर लो। यस, हेजिंग वाला ट्रेड है, ट्रेड कर लो अभी एक बार के लिए, अभी फिलहाल फटाफट ट्रेड कर लो। क्लोजिंग के टाइम देखते हैं क्या एमटीएम आएगा, उसके हिसाब से देखेंगे। एग्जिट कब करना हो मैं बता दूंगा, पर अभी फिलहाल ट्रेड कर लो उसको। किया ट्रेड मिस्टर पीवी मूर्ति, मिस्टर राकेश, मिस्टर धीरज, कैन यू हियर मी? किया ट्रेड, डन, ठीक है। 3:15 को मुझे एमटीएम बताना उसका, 3:15 को, अभी नहीं, 3:15 को आपको मुझे एमटीएम बताना उसका। 16900 ब्रेक करेगा तो थोड़ा नीचे आ सकता है। मेरे हिसाब से इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करेगा ये। आज तो ब्रेक नहीं करेगा एम पैटर्न, आज ब्रेक करना मुश्किल लग रहा है एम पैटर्न। ये कल ही कर सकता है मेरे हिसाब से, और वो भी गैप डाउन में करेगा ये। कल कर सकता है ये, वो भी गैप डाउन में कर सकता है मेरे हिसाब से, जो मुझे लग रहा है गैप डाउन ओपनिंग में एम पैटर्न ब्रेकडाउन दे सकता है। आज तो नहीं लग रहा है, इसलिए आज मैंने अभी ये ट्रेड दिया है ताकि इसमें क्या टाइम वैल्यू फटाफट अपने मिल जाए। हेजिंग वाला ट्रेड है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं। ये देखो 935 हो गया, इसलिए मैं ये ब्लू ईएमए का वेट कर रहा हूँ। ये ब्लू ईएमए जब तक ब्रेक नहीं होगा ना तब तक शॉर्ट करना ही नहीं है। सिर्फ एम पैटर्न देख के मत करो, ये ब्लू ईएमए ब्रेक होना चाहिए। 9 ईएमए सबको एम पैटर्न ब्रेक होता दिख रहा है, आई थिंक ऊपर चला जाएगा इसीलिए होता दिख रहा है। और हुआ है, इसमें फर्क होता है मिस्टर दिवेनवार। हुआ नहीं है अभी तक, एम पैटर्न सबको दिख रहा है लेकिन ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, इसीलिए मैंने ट्रेड नहीं दिया। इसलिए मैंने हेजिंग वाला ट्रेड दिया, वरना मैं आपको सिंपल कॉल सेल ट्रेड देता या पुट बाय ट्रेड देता या जो भी है, लेकिन इसीलिए मैंने ट्रेड नहीं दिया। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस लाइन टू गेट ब्रेक। ये जो ग्रीन कलर का लाइन मैंने मार्क किया है ना, ये ब्रेक होगा देन इट्स अ ब्रेकडाउन। इसलिए वेट करो। जो हेजिंग वाला ट्रेड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो आपको एमटीएम आ ही जाएगा। वो तो हम लोगों ने पहले भी काफी बार ट्रेड लिया हुआ है हेजिंग वाला ट्रेड। एक बार स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं, कौन से स्टॉक रडार पर है क्या है चेक कर लेते हैं एक बार। ओएनजीसी तो गया आज, ओएनजीसी 6% डाउन, क्या बात है। जिंदाल को थोड़ा बहुत रिकवर किया है, टाटा स्टील रिकवर किया है थोड़ा बहुत, ब्रिटानिया ऊपर है, ब्रिटानिया में ब्रेकआउट आया। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये दोनों ऊपर है। ये दोनों कल चल रहे थे, ये दोनों आज भी चले हैं, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। एशियन पेंट और बजाज पेंट तो इसके लिए चल रहा है, क्रूरल की वजह से चल रहा है। टाइटन में थोड़ा बहुत रिकवरी है, क्या बात है। टाइटन का डेली चार्ट देखते हैं। टाइटन में बड़ा फॉल आया था, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं ना, फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आया। ठीक है, HW कैंडल बना रहा है टाइटन, थोड़ा सा ठीक है वेट करते हैं। हीरो मोटो, टाइटन ये दोनों स्टॉक बाइंग लग रहा है, और मारुति दिग्गज स्टॉक, बड़े बड़े स्टॉक्स में बाइंग हो रहा है। हीरो मोटो, मारुति, टाइटन, हेवेल्स ये सब स्टॉक्स में बाइंग है। हाँ, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी में रिस्क ले लेना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा 7000 प्रॉफिट जो है वो 2000 हो जाता, लेकिन अभी तक अगर होल्ड करते तो 11000-12000 प्रॉफिट पे होता। ठीक है, एक दिन का वो थोड़ा रिस्क ले लेना चाहिए था, बट वो क्रूड ऑयल गिरा इसीलिए इंडियन मार्केट भागाया। इक्विटी मार्केट ऊपर सिर्फ इसलिए क्योंकि कल क्रूड ऑयल इतना गिरा, अदरवाइज ये इतना ऊपर आता भी नहीं। कल जो जिस हिसाब से कैंडल बनाया ना इसने, इतना ऊपर आता भी नहीं है। ये देखो ना, परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ, इन्वर्टेड हैमर का हाई क्रॉस करेगा तो ये ऊपर जाएगा। इसका हाई क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। इसका हाई है 16,025। तो या तो ये लेवल निकाल दें तो क्लियर बुलिश है, फिर आप खुला कॉल बाय कर सकते हो। ऐसा है, खुले हम कॉल बाइंग कर सकते हो अगर ये लेवल निकाल देता है 16,025 का। थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। स्लाइटली एडजस्टमेंट कर लेते हैं स्ट्रैटेजी में, स्लाइटली एडजस्टमेंट कर लेते हैं स्ट्रैटेजी में। अभी जो स्ट्रैटेजी दिया ना उसमें स्लाइटली एडजस्टमेंट ये है, मैंने मैसेज किया है देखो, क्योंकि निफ्टी थोड़ा फास्ट भागा है तो ये एडजस्टमेंट कर लो फटाफट। स्लाइटली थोड़ा सा एडजस्टमेंट मैंने किया है, कर लो ये। यस, बैंक निफ्टी हो, बैंक निफ्टी का स्ट्राइक है, मैंने दे दिया मैसेज देखो। कर लिया चेंजेस। यस, थोड़ा सा चेंजेस करना है बिकॉज एज पर द डेल्टा के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 5950 का कॉल एट द मनी हो गया, तो एज पर डेल्टा के हिसाब से उसको थोड़ा चेंज करना है। इसे मैं इसलिए मैंने देखो बैंक निफ्टी का थोड़ा चेंजेस किया है, एक स्ट्राइक चेंज किया है। मैसेज मिला ना मिस्टर पीवी मूर्ति, मिस्टर आशीष, एक स्ट्राइक चेंज हुआ है बैंक निफ्टी का, करेक्ट, शिफ्ट किया है। हाँ, कर लो फटाफट। निफ्टी 950 के ऊपर गया ना, इसलिए करना पड़ रहा हो। और एक बार मुझे MTM भी अपडेट कर देना, बस MTM भी अपडेट कर दूंगा एक बार। हाँ, अभी वाला स्ट्रैटेजी का, अभी जो हम लोग ने हेजिंग वाला स्ट्रैटेजी लिया उसका। ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। अगर ये निकला तो ये 16,025 के ऊपर तो मेजर ब्रेकआउट है। अगेन वही टारगेट आ जाता है 16,250, जो 2-3 दिन पहले मैंने दिया था, वही सेम टारगेट आ जाता है फिर 16,250। 16,000 के आसपास क्लोज होने दो, या तो स्क्रीन रिफ्रेश किया मैंने, अभी दिख रहा है। ये जो है ना रेड कलर का जो इन्वर्टेड हैमर है, इसका हाई क्रॉस होना चाहिए 16,025। ये जो हैमर दिख रहा है ना इन्वर्टेड हैमर, इसका हाई क्रॉस होना चाहिए। इसका अगर हाई ये निकाल देता है तो फिर 16,250 इमीडिएटली टारगेट है, मतलब पॉसिबल है इंट्राडे में भी देखने मिल जाए ऐसा, फिर इमीडिएट टारगेट है। क्या बात है, क्या भाग रहा है निफ्टी, ओहो बहुत जबरदस्त। 3 बजे का कैंडल अगर 970-980 के ऊपर क्लोज हो रहा है ना, इट्स अ बुलिश मार्केट है, फिर वापस बुलिश हो गया। $970-980 क्रॉस हो रहा है ना, बुलिश हो जाएगा। देखो मैंने एक ट्रेड दिया हुआ है अभी, ये ट्रेड करना है कर लो। फॉर हेजिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर हेजिंग सेल 16100 सी सेम क्वांटिटी। देखो मैंने मैसेज किया है, मैसेज मिला है, मैसेज किया। देखो मैंने ये एक और ट्रेड आप ले सकते हो कल के लिए, लेकिन राइट निफ्टी वाला, हाँ करेक्ट, निफ्टी वाला स्ट्रैटेजी हम लोग ने ये बार नहीं लिया था। निफ्टी वाला स्ट्रैटेजी पिछले वीक लिया था, जिसका प्रॉफिट जोन 16,000 के आसपास आ रहा था। हाँ अगर वैसा कुछ स्ट्रैटेजी लेते तो अभी प्रॉफिट जोन में होता और प्रॉफिट आ रहा होता। क्लोजिंग सही है, 3 बजे का कैंडल के हिसाब से सही क्लोजिंग हो रहा है। ये 16,000 ब्रेक करेगा, कल गैप अप भी पॉसिबल है। क्लोजिंग एकदम परफेक्ट हो रहा है। यस आज इवेंट है तो ज्यादा बड़ा क्वांटिटी मत करना, क्योंकि आज इवेंट है, आज इसका मीटिंग भी है ना, एफएमसी मीटिंग है आज। देखो यहाँ पे, और सर्विस पीएमआई का डेटा आएगा, इन्फ्लेशन का डेटा मेरे हिसाब से फ्राइडे को आने वाला है। एक मिनट, इन लोगों ने क्या किया है, डेटा का बहुत कुछ चेंजेस किया है इन लोगों ने। क्रूड का तो इन्वेंट्री उड़ा दिया। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने वाला है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा, ये फ्राइडे को इम्पोर्टेंट डेटा है, ठीक है। चलेगा ये 16,000 ब्रेक है, 16,000 ब्रेक कर देगा। ट्रेड दे दिया है मैंने, दोनों ट्रेड दिए हुए हैं, तो 16,000 ब्रेक कर देगा ये। निकल रहा है ऊपर, निकल रहा है, वन साइडेड निकल रहा है ये। बस एफएमसी मीटिंग में कुछ नेगेटिव रात को नहीं आना चाहिए, करेक्ट। अगर कुछ भी नेगेटिव नहीं आता है तो कल 16,150 16,200 आपको देखने मिल जाएगा। स्टॉक एक और बार स्कैनिंग कर लेते हैं, स्टॉक कौन सा रडार पर आया एक बार चेक कर लेते हैं। स्टॉक्स में क्या पैटर्न कंप्लीट नहीं है, प्रॉब्लम ये है। कल उसमें बेरिश पैटर्न बना है, आज बुलिश पैटर्न बना है, ऐसा है, तो इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। स्टॉक्स में कंफर्मेशन नहीं है। जी जैसा स्टॉक बाय आ रहा है, कुछ मतलब ही नहीं है। जी आ रहा है, एमएनएम फाइनेंस है, ये देख लेते हैं। HDFC लाइफ शॉर्ट आ रहा है, ठीक है, ये देखते हैं। जी आ रहा है, M&M फाइनेंस आ रहा है, ये दो स्टॉक देखेंगे बाइंग में, HDFC लाइफ देखेंगे शॉर्ट में। जी पहले देखते हैं, बाइंग करना चाहिए क्या? कर सकते हैं, बुलिश एनगल्फिंग बना है यहाँ पे, बुलिश एनगल्फिंग बना है तो जी में थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं, और फिर भी थोड़ा वेट करो, ये थोड़ा भरोसे वाला स्टॉक नहीं है, ठीक है। और जी के बाद था एमएनएम फाइनेंस, ये कर सकते हैं भाई, इसका कैंडल थोड़ा परफेक्ट कैंडल है ये जरूर। ओ हो नहीं 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 नहीं, थोड़ा वेट कर लो इसके लिए, थोड़ा वेट कर लो, इसमें भाई मत करना। अभी मुझे बताओ ये सेटअप कितने लोगों को याद है? हमने फिर रिमेम्बर दिस, कितने लोगों को याद है? सबको याद है ये सेटअप? बहुत बार सिखाया है, बहुत एग्जाम्पल सिखाया मैंने इसका, करेक्ट। तो इसीलिए ये 200 के ऊपर जाएगा तो ही बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एक बार वेट एंड वॉच करेंगे इसमें। हाँ ये देखो ना, एकदम परफेक्ट है इसमें, वीकली चार्ट पे मिश्रा सोहन साहू, एकदम परफेक्ट वीकली चार्ट पे है, ठीक है। और HDFC लाइफ शॉर्ट है, HDFC लाइफ ये सेल आ रहा है, ये देखेंगे। ओहो इसमें तो जरूर ट्रेड बनता है, इसमें ट्रेड ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्राइस है इसका? 558। इसमें ट्रेड ले सकते हैं हम लोग, एक मिनट है इसका, थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस और कर लेते हैं HDFC लाइफ का, फिर मैं आपको ट्रेड मैसेज करता हूँ। इसका चार्ट स्ट्रक्चर खराब है, अच्छा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने को है, ठीक है। तो वीकली चार्ट है ये, और डेली चार्ट क्या लग रहा है, निकाल देगा तो खराब ही है। ठीक है, एक और मैंने ट्रेड दिया, देखो ट्रेड मिला है क्या? एक और मैंने ट्रेड दिया है, ये ट्रेड कर सकते हैं HDFC लाइफ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बहुत खराब है, बहुत मतलब बहुत खराब है, ये 500 के अंदर भी आ सकता है। अगर आप ब्रॉडर व्यू समझोगे ना इसमें, तो ये थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे ध्यान से देखना, वीकली चार्ट है। एक काम करता हूँ पहले ये मैं हटा देता, ध्यान से देखना इसको पहले, एक मिनट ये मैं हटाता हूँ। ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल टाइप दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल टाइप दिख रहा है, प्लीज रिप्लाई। उल्टा कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल दिख रहा है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। तो ये जा सकता है नीचे, ये नीचे जा सकता है, इस पे ध्यान देना। और ये लंबा वाला जा सकता है, मतलब 200-250 रुपए भी टारगेट आ सकता है इसका, इतना खराब पॉसिबल है ये, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट कैन बी दी, मतलब न्यूज क्या होगा, बट जो सेटअप है वो इतना ज्यादा खराब है, ठीक है। क्या न्यूज से गिरेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 200 रुपए भी आ सकता है, इतना मुझे पता है। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर है आपके पास तो एग्जिट कर देना। HDFC लाइफ एग्जिट कर दो, खराब है स्टॉक, वीकली चार्ट खराब है बहुत। निफ्टी 16,000 क्रॉस करेगा तो ब्लास्ट है, कल सीधा गैप अप है। फिर ये अभी जो स्ट्रैटेजी दिया उसका क्या MTM है मिस्टर PV मूर्ति? अभी जो ये हेजिंग वाला स्ट्रैटेजी दिया ऑप्शन राइटिंग का, उसका क्या एमटीएम है? प्रॉफिट आ रहा है उसमें कुछ? अभी जो स्ट्रैटेजी दिया मिस्टर आशीष, कितना है? 600 माइनस, ठीक है, ठीक है, 600-700 रुपये माइनस है ना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, कैरी करेंगे उसको, कैरी करेंगे। अगर देखते हैं 325 तक क्या पीएनएल बनता है, वरना कैरी करेंगे। और कोई ट्रेड आया नहीं है स्टॉक का, तो थोड़ा वेट कर लो, कंफर्मेशन वाला और कोई ट्रेड नहीं है। जो कंफर्मेशन वाला था वो मैंने आपको बता दिया। इसमें तो अभी तक फोरकास्ट भी नहीं आया ना, कल का नेचुरल गैस का नहीं आया होगा फोरकास्ट, एक सेकंड, नहीं आया अभी तक फोरकास्ट, नहीं आया, ठीक है। नहीं, फोरकास्ट के हिसाब से फिर क्या पहले ही मूवमेंट आना चालू हो जाता है, इसलिए मैं नेचुरल गैस का फोरकास्ट देख रहा हूँ, कई बार पहले ही मूवमेंट आना चालू होता है। ये भी बहुत गिरा है, ये भी बहुत ज्यादा गिरा है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। दिख रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। ये देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कब पैटर्न बनाया था और ब्रेकआउट नहीं दिया था, फिर यहाँ पे इसने ट्रायंगल बना के ब्रेकआउट दिया है। दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। कब पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट नहीं दिया, ट्रायंगल पैटर्न बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया। अब ये उसी लेवल के आसपास आ जाएगा। 400 रुपए का बहुत अच्छा सपोर्ट है, 410 का, अगर वो लेवल आता है तो फिर देखेंगे। वीकली चार्ट एक बार इसका भी देख लेते हैं, क्या बात है। एक भी वीक ये पॉजिटिव नहीं था, एक वीक भी पॉजिटिव नहीं था। वीकली चार्ट देखते हैं एक बार इसका। अरे ये तो क्या बना रहा है ये मंथली चार्ट पे इसने क्या पैटर्न बनाया है? मंथली चार्ट पे इसने क्या पैटर्न बनाया है? देखो, इट्स अ बेरिश सेटअप है, ये बेरिश सेटअप है। ये जो है ना, ये बेरिश सेटअप है हमारे लिए मंथली चार्ट पे, बट करंट लेवल पे शॉर्ट नहीं करना, बाउंस में शॉर्ट करना। नेचुरल गैस हमारे लिए बेरिश सेटअप है। चल तो रहा है निफ्टी, ऊपर जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 16,000 के ऊपर खुलेआम तेजी है, जाने तो निफ्टी ऊपर। ये देखो ना, 980 क्रॉस जा रहा, जाने दो। ब्रिटानिया, बजाज फाइनेंस दोनों 4-4% ऊपर है आज। एसआरएफ भी पॉजिटिव हो गया वापस। ये विनाइल इंडिया जब से मैंने दिया है 250 के आसपास था, तभी दिया था मैंने, और ये धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, ये नीचे आया ही नहीं है उसके बाद। $16,000 टच हो जाएगा ये निफ्टी, 16,000 टच हो जाएगा, 16,025 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट है। बड़ा मतलब यहाँ तक तो इमीडिएटली है, अगर वो लेवल क्रॉस किया तो बड़ा ब्रेकआउट है। क्या बात है, 990 मैं बड़ा ब्रेकआउट बोल रहा हूँ, और मिस्टर राजेश बोल रहे हैं सर फिर शॉर्ट मारते हैं निफ्टी को। मिस्टर राजेश आपको तो मतलब भगवान भी ट्रेडर नहीं बना सकता आपको। मार्केट को पहले समझो। ये निकाल देगा ऊपर 16,250, 16,500 भी जा सकता है ये, 250 क्रॉस करेगा तो। शॉर्ट वॉट मत करना वरना बुरी तरह फंसोगे। हमेशा आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रहते हो, मैंने देखा ये। पूरी दुनिया बुलिश होती है तो आप बेरिश होते हो, पूरी दुनिया बेरिश है तो आप बुलिश होते हो। गिरते हुए स्टॉक को बाय करना है, चढ़ते हुए स्टॉक को शॉर्ट करना है। आ रहा है ना, कितना हो गया है? 66 तो हो गया ही, 56 में दिया था ये वाला कॉल, 67 हो गया, अभी चल तो रहा है। ₹69, ₹70, ₹70 कॉल, 16,000 का कॉल अभी दिया है मैंने 5 मिनट पहले, मैसेज चेक कर लो। ₹70 हो गया अभी। मैसेज चेक कर लो, व्हाट्सएप मैसेज 56 में अभी दिया था 5 मिनट पहले। 72 नाउ। शॉर्ट मत करना वरना फंस जाओगे। 16,000 के ऊपर शॉर्ट मत करना निफ्टी को, वापस बोल रहा हूँ। मॉर्निंग में ही बोल दिया था 15,950 के ऊपर तेजी है। 15,950 एक बार इसने ट्राई किया, फिर ब्रेक किया, 910 तक आया और फिर वापस 950 क्रॉस किया इसने। मतलब क्लियर है कि शॉर्ट को फंसा के फिर वापस ऊपर गया है। और ये डायरेक्शन पकड़ेगा इस बार डायरेक्शन पकड़ेगा ये। $73 कॉल। आर यू ऑल वॉचिंग? प्लीज रिप्लाई। मिस्टर आशीष, मिस्टर पीवी मूर्ति, मिस्टर धीरज। 74, 75 नाउ। अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने मैसेज दिया है। 76 नाउ, 77, 78 देख लो आपके सामने। $16,000 के ऊपर क्लोज दे रहा है, क्लियर बुलिश है, खुलेआम बुलिश है। और ये 16,025 का लेवल के ऊपर अगर ये निकल जाता ना, ये कैंडल का हाई, 200-300 पॉइंट रैली मान के चलना, तो ना तो जाएगा ही जाएगा ऊपर। ये हाई क्रॉस किया तो गैप अप पॉसिबल है। ये हाई 16025 कहां पर क्लोज हो रहा है वो देखते हैं। 317 हो चुका है, सेक्शन 025 मुझे नहीं लगता ब्रेक करेगा ये, लेकिन कल गैप अप में या कल पहला कैंडल में ब्रेक करता है ना, ये कैंडल का हाई मार्क करके रखो 16025 16025। ये कैंडल अगर निकाल दिया ना हाई तो 200 पॉइंट का रैली पक्का है इसमें, ये जरूर ध्यान देना। ठीक है, वेबिनार एंड करते हैं, कल सुबह मिलेंगे सेम 9:30 बजे मॉर्निंग वेबिनार में। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।